अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। हमारे यहाँ के हलका के इनेलो के प्रधान हैं श्री कश्मीर लाल जी मल्होत्रा, जो म्यूनसिपल कमेटी के एक्स प्रेसिडेंट हैं और हमारी पार्टी में पिछले दिनों इन्होंने ज्वाइन किया था। अच्छे नेता हैं यहाँ के। सतपाल मामले जी हैं जो ग्रामीण जोन के अध्यक्ष हैं इनेलो के। अमरजीत सिंह काका हैं जो सिटी इनेलो के अध्यक्ष हैं। इन सब साथियों की तरफ से आपका यहाँ पहुँचने में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं कांग्रेस में रहा हूँ बहुत लंबे समय, हमारा और आपका साथ बहुत पुराना है। पिछले महीने में इनेलो पार्टी में आया, उसके बाद प्रेस मीट का यह हमने पहला ही प्रोग्राम किया है। तो आपका स्वागत करते हुए एक तो हमारा यही उद्देश्य था कि आपसे मिल लेंगे, दर्शन हो जाएंगे आपके, बातचीत कर लेंगे। और राजनीतिक तौर पे मुख्य तौर पे ये बात कहना चाहता हूँ मैं कि आज हरियाणा के अंदर और देश के अंदर पिछले 7 साल से बीजेपी की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और 7 ही साल से खट्टर जी यहाँ मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी की केंद्रीय नीतियाँ और प्रदेश की नीतियों की वजह से आज चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। जिस देश को हम किसान का देश कहते हैं, वहाँ का किसान आज सड़कों में पड़ा है, भूखा नंगा 6 महीने से लगातार इतना लंबा प्रदर्शन कर रहा है, बेरोजगारी सीमा से बाहर है, महंगाई सीमा से बाहर है, व्यापारी जिनको कहा जाता था कि व्यापारी लोग बीजेपी को वोट देते हैं और उनको ये कह करके बहका करके वोट भी लिया था, जीएसटी नोटबंदी जैसी नीतियां कानून लागू करके, जो चारों तरफ बीजेपी की बद इंतजामी की वजह से, अच्छी नीति न होने की वजह से जो त्राही त्राही मची है, उसी के मामले में आज हम बतौर इनेलो विपक्ष में हैं। हमारा फर्ज बनता है कि उन कमियों को हम उजागर करें, वही कुछ कमियां और हमारा भविष्य में इनेलो का क्या प्रोग्राम है, हम क्या नीति किस तरह अपना संगठन बना के हरियाणा में अपनी पार्टी का गठन और पुनर्गठन करने जा रहे हैं, जिससे हमें काफ़ी उम्मीद है, उन्हीं विषयों के ऊपर मैं आपसे बात करने है। पहली बात तो साथियों ये है कि हरियाणा स्टेट किसानों की स्टेट है और हरियाणा के अंदर 70% लोग 75% लोग खेती पर आधारित हों, चाहे वो मजदूर हों, खेतीहर मजदूर हों चाहे किसान हों। किसानों के हालात सर्वविदित हैं, आप सबको ज्ञात है कि 3 काले कानून ला करके केंद्रीय सरकार ने, मोदी सरकार ने उनके ऊपर थोप दिए और 6 महीने से किसान लगातार आंदोलन के राह पे है, सड़कों पे भूखा नंगा अपने औलाद लेकर के, बच्चों को लेके, परिवार को लेके खड़ा है, मरने लग रहे हैं, कितने साथी उसमें शहीद हो गए हैं। तो इसी तरह व्यापारियों के साथ हुआ है, लॉकडाउन है, दुकानें बंद हैं, जीएसटी और नोटबंदी जैसी नीतियों ने व्यापारियों को धरातल पर लाए खड़ा कर दिया है, त्राही त्राही मची है। सबसे बड़ी बात ये हुई है कि आज बीजेपी गवर्नमेंट ने निजीकरण का बहाना बना करके और देश और प्रदेश के अंदर बेरोजगारी खड़ी कर दी है। लेकर बेरोजगारी का ये हाल है, किसी पढ़े लिखे बच्चे को, बच्ची को, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। अच्छे पढ़े लिखे MBA और BTech MTech तक के बच्चे 5-5 हज़ार रुपये में नौकरी कर रहे हैं। बेरोजगारी इस सीमा तक है कि वो बच्चा जो बेरोजगार हो गया पढ़ लिख के, आज वो क्राइम की तरफ जा रहा है, अराजकता की तरफ जा रहा है। अराजकता बढ़ भी गई है हरियाणा में, कानून और व्यवस्था का जो हाल है वो आप देख रहे हैं। तो ऐसे में मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी जब जन जन में हर वर्ग बीजेपी के खिलाफ हो गया है,
दूसरी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस की जो मिली भगत है हुड्डा जी, जो मिली भगत करके बीजेपी के साथ जो समझौता करके जो अंडरग्राउंड समझौता उन्होंने किया है वो भी लोग समझ गए। अब ना तो जनता की, हरियाणा की जनता को किसी बीजेपी के नेता पे यकीन है, चाहे स्थानीय मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, इन सब लोगों का जनता ने बहिष्कार कर दिया। जनता में इनको आने दिया जाता, जनता इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस की अपनी लड़ाई ही कांग्रेस के जहाज को ले डूबने जा रहा है और डूब ही गया है, आगे और डूब जाएगा। ऐसे में हरियाणा की जनता के पास मात्र एक पार्टी बचती है। और दुष्यंत जी का आपने हाल देख लिया जेजेपी का, कि जेजेपी जो किसानों के नाम पे सरकार बना के आई थी, देवीलाल के नाम पे सरकार बना के आई थी, आज वो पूंजीपतियों की पार्टी और खट्टर के यहाँ गुलाम बन के सपोर्ट करके हरियाणा में जितने बेईमानने का काम, जितने स्कैंडल दुष्यंत के ऊपर लागू हो रहे हैं आजकल, लग रहे हैं लोग जिनके बारे में बोल रहे हैं, वो चाहे वो शराब का स्कैंडल हो, चाहे वो कमेटी नगर परिषदों में करप्शन की बात हो, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हो, तो दुष्यंत ने भी देवीलाल का नाम लेकर के वोट लिया और देवीलाल जैसे के नाम को आज कलंक कर दिया है, कलंकित कर दिया है, कि आप इसको बलिबंधी देख रहे हैं कि आज जनता दुष्यंत को भी, इवन उनके रिश्तेदार, सामाजिक बहिष्कार तक जनता पार्टी और जेजेपी के लोगों का हो गया है। ऐसे में एक ही पार्टी कांग्रेस बचती है, कांग्रेस जैसे डूबी है, लेकर के दोनों की लड़ाई, चाहे प्रधान और हुड्डा के बीच की लड़ाई हो, चाहे नीचे हमारे ज़िले में जो उनके कार्यकर्ता उनकी लड़ाई हो, सभी कांग्रेस के, ऐसी लड़ाई के अंदर निश्चित तौर पर इनका डूबना, जैसे पंजाब का उदाहरण कल आपके सामने आया था, निश्चित तौर पर इनका डूबना है। तो ऐसे में विकल्प के तौर पर एक इनेलो पार्टी बची है, और इनेलो पार्टी में अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों की, खूब अकेले विधायक होते हुए हरियाणा के अंदर भी उस आदमी ने विधानसभा में किसान की, मजदूर की, व्यापारी की आवाज़ को खूब बुलंद किया है, और सारे देश के अंदर एकमात्र विधायक, जब आंदोलन किसान का चला तो एकमात्र विधायक ने अपना इस्तीफा दे करके विधानसभा से, और ये साबित कर दिया कि मैं किसानों के साथ, इनेलो पार्टी भी खड़ी है और मैं भी खड़ा हूँ। आज हरियाणा के लोगों को उम्मीद है, अगर आने वाले समय में अपने बच्चे के रोजगार के लिए, अच्छा व्यापार करने के लिए, किसान को अपने भाव की, अपने रेट की, अपनी इज्जत की, मान सम्मान को बचाने की और बच्चे के रोजगार की, तो एक ही उम्मीद उन जागती है, एक ही उम्मीद बाकी है, और वो है इनेलो पार्टी। इनेलो पार्टी में चौधरी देवीलाल की नीतियों के ऊपर चलने वाले अभय सिंह चौटाला जो हमारे आगे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मैं हरियाणा के चारों दिशाओं में, हर ज़िले में जा गया हूँ, मैंने वहाँ लोगों की बात सुनी, चाहे अहिरवाल था, चाहे वो हिसार भिवानी जिला था, रोहतक था, जो किसान जींद है, हर किसान उठ के, मजदूर आदमी उठ के, आपने पिछले दिन देखा होगा कि अभय सिंह के ही नेतृत्व में पूरी की पूरी बीएसपी के पदाधिकारी या गरीब वर्ग के लोग वो इनेलो ज्वाइन कर गए। तो जब मजदूर और खेती हर आदमी और आम जो हमारा व्यापारी है वो मिल के, आपके सामने हमारे जो साथी बैठे हैं तकरीबन सब अच्छे प्रतिष्ठित लोग हैं यहाँ के, व्यापारी भी हैं और नेता लोग भी हैं, तो ये देख रहे हैं इस बात को कि चारों तरफ से व्यापारी भी आज दुखी है। तो आज लोगों को वही देवीलाल की नीतियाँ याद आ रही हैं, जिन्होंने किसान के लिए, चाहे वृद्धा पेंशन की बात थी, किसान के लोन माफ़ करने की बात थी, बिजली की बिल माफ़ करने की बात थी, या सबको साथ लेके चलने वाली बात थी, उसकी उसी नक्शे कदम पर आज हमारी पार्टी चलना चाहती है अभय जी के नेतृत्व में। तो हम इसमें कोई दो राय नहीं, जैसे हमने हमारी पार्टी पिछली बार दुष्यंत जी धोखा दे के देवीलाल के नाम पे वोट ले गए, हमारी पार्टी एकदम से ये इनेलो पार्टी है, एक ही विधायक बना पाई थी, लेकिन आज हम अपने संगठन को दोबारा हर रोज़ मजबूत कर रहे हैं, बहुत से तरीके से हमने इसको मजबूत भी किया है। और जगाधरी हल्के में भी हमने, जिसने मैंने पिछले महीने 11 तारीख को ज्वाइन किया, मेरा ये था कि शायद 10-5 आदमी जाके ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन हज़ारों आदमी हमारे साथ उसमें गए, इसी क्षेत्र के थे, सब यहाँ के लोग थे, उन्होंने इनेलो ज्वाइन करी। 8 दिन बाद हमने आकर के यहीं आपके सामने गुप्ता पैलेस में एक समारोह किया, जिसमें 301 आदमी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के और इनेलो में जिन्होंने ज्वाइन किया था। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, लेकिन हमने हज़ारों की संख्या में फिर भी यहाँ अपने कार्यकर्ता तैयार किए हैं। आज हमारी ये है कि हमने क्षेत्र को
छह जोनों में बांट दिया इसको, छह जोनों में बांट के हम इसके छह जोन प्रधान बना रहे हैं। अभी तक हमारे हल्का प्रधान शर्मा जी हैं, दो प्रधान उनमें से ये बैठे हैं, चार प्रधान और बना रहे हैं। हर गांव के अंदर 20-20 आदमियों की टीम अगले दिवाली तक के हम बना के इन्हें लोग यहाँ मजबूत करेंगे, क्योंकि अब किसान के पास भी कोई रास्ता नहीं है, मजदूर के पास कोई रास्ता नहीं है। और रोजगार के मामले में हम एक बात देख रहे हैं कि निजीकरण का बहाना लेकर के रोजगार बिल्कुल ख़त्म कर दिए, विशेषकर वो बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा या आम गरीब आदमी का बच्चा जो 40-50% मार्क्स लेकर के अपनी 10वीं और 12वीं या BA पास करता है, वो कहीं स्टैंड नहीं करता, क्योंकि वहाँ CBSE वाले दूसरी स्टेटों के बच्चे आगे लग जाते हैं। और ये जो बच्चा 40-50% का है, ये गांव के अंदर है नाला बत्ता, बेरोजगार हो गया है। ये बेरोजगार की आड़ में अब ये कहीं कहीं माफिया तैयार हो रहे हैं, गुंडा, जब पैसे की कमी है, बच्चा बेरोजगार है, गैंग बन रहे हैं, अराजकता फैल रही है। हम ऐसी नीति भी एक बनाने जा रहे हैं NLO, अगर हमारी सरकार बनेगी, हम ये बना रहे हैं कि गांव के बच्चे को जो 40-50% के मार्क्स लेता है हरियाणा बोर्ड से, गांव से पास हुआ है, गरीब आदमी का बच्चा है, कम से कम हमारी जो चलो बड़ी नौकरियां हैं, मैं SC/ST की मानता हूँ, IAS की मानता हूँ, APS की मानता हूँ, मेरिट पे जाएंगी, लेकिन ये सिपाही की नौकरी, कंडक्टर की नौकरी, पटवारी की नौकरी, पब्लिक हेल्थ की नौकरी, ये छोटी छोटी नौकरियाँ भी अगर हम 80% वाले बच्चों को ला के दिल्ली से CBSE को देंगे तो यहाँ का बच्चा कहाँ जाएगा, वो बच्चा बेरोजगार हो गया। हम उन बच्चों को 50% तक वाले बच्चों को, फोर्थ क्लास और थर्ड क्लास की जो ये हमारी नौकरी है, उन बच्चों को देकर के हरियाणा में कम से कम 1,00,000 बच्चों को हम आते हैं, हमारी सरकार रोजगार देगी, ताकि यहाँ का बच्चा अपने काम पर लगे, रोजगार पर ले, नौकरी पर लगे, अब नस्बत इसके कि वो एंटी सोशल एलिमेंट ना कहीं तैयार हो जाए। आपस में टकराव हैं, अधिकारियों के अजीब टकराव हैं, कभी भाई पूर्ण कुमार के बीच में और DGP के बीच टकराव हो जाता है, कभी दूसरे अफसरों के बीच में हो जाता है, कभी मंत्रियों के बीच में होता है, कभी लिस्ट वापिस हो गई, कभी ये हो गया। ये सरकार या प्रशासन चलने का कोई ढंग नहीं है, उपहास मजाक का एक कारण हमारी सरकार इस टाइम बनी हुई है। तो ऐसे हालात में जब चारों तरफ इस तरह की तराई तराई है, तो हमारी पार्टी इस बात को वचनबद्ध है, हम कटिबद्ध हैं कि हम देवीलाल जी की नीतियों पर चल के अपनी कमियों को भी सुधार के इसका ढांचा खड़ा करेंगे और सरकार में आएंगे, और उस परिवर्तन में हरियाणा के नवनिर्माण में पूरी इस बात की उम्मीद करता हूँ, आपसे प्रार्थना करूँ कि प्रेस वाले साथी हमारा साथ देंगे, ताकि हम अपने इस मिशन में कामयाब हों, हरियाणा की जनता को जो है ना इस नए सिस्टम के अनुसार इन जात पात की राजनीति करने वालों को, पूंजीवादपतियों की राजनीति करने वाले लोगों को, गैर इंतजामी सरकार को से पीछा छुड़े और सरकार बने, और यहाँ के बच्चे को रोजगार मिले, किसान को न्याय मिले, व्यापारी का व्यापार अच्छा चले, निश्चिंत चले, छोटा उद्योग पनपे। ये परिवार इनेलो संभाल नहीं सका तो वो राज्य को क्या संभालेंगे? बात संभालने की नहीं है, अकेले तो कई बार रह जाते हैं, संभालने की और हारने जीतने की बात नहीं होती। आप मेरे को एक बात बताइए, जिस दिन यहाँ राज्यसभा का चुनाव था, चंद्रा जी मेंबर पार्लियामेंट बन रहे थे, खुद के सारे आदमियों ने जाकर के वोट दे दिया उसको, चंद्रा को, BJP को, वो मिली भगत थी या नहीं थी? सुनो मेरी बात, मैं शो करना चाहता हूँ। नहीं, अभी दीपेंद्र का चुनाव हुआ है, BJP ने अपना कैंडिडेट भी नहीं दिया, BJP ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया, एक सदस्य तो चुना जा सकता था कांग्रेस से, कहां से? कांग्रेस से उसमें आपका वोट, उसमें आपका वोट था, कांग्रेस कैसे वोट देगा? वहां तो वोट दिया है ना, कैंसिल कराया ना वोट अपना, जान के वोट कैंसिल कराया, दुनिया जानती है इस बात को, शाही का भी इन्होंने कराया था ना, वो दोष इसके ऊपर लगाया, वो जैसे दीपेंद्र हुड्डा भी तो कांग्रेस नहीं, दीपेंद्र हुड्डा जी ने चुनाव लड़ाया, तो मैं उसी विरोध में तो उन्हीं गलतियों को इसलिए यहाँ आया हूँ, मैंने पार्टी छोड़ने की क्या जरूरत थी? अगर कांग्रेस अपने उसी नियम पे, कांग्रेस समाजवाद में रहती, वही पूंजीवाद के खिलाफ लड़ती, धर्म निरपेक्ष बात करती, BJP से तालमेल ना करती, तो मैं क्यों छोड़ता कांग्रेस को? कांग्रेस में को मैंने छोड़ा इसलिए है कि कांग्रेस आज समाजवाद की बात भूल गई, मूल सिद्धांत उनका, कांग्रेस पूंजीवाद की बात करने लगी है, कांग्रेस मिल के G23 क्या है, जो G23 नेताओं का 23 नेताओं का गठबंधन हुआ है, सफारी किधर है? नहीं है। जिन्होंने कांग्रेस को मारने के लिए राहुल गांधी तो खुद बोल बैठे हैं, सिंह जी भाजपा गठबंधन हमारा मिली जुली इनकी सरकार बेशक रही हो, लेकिन आज जो गठबंधन उनका है ना,
ऐसे अवसरवादी लोगों से दुष्यंत से है, हमारा उनसे गठबंधन नहीं है। अगर ये होता तो अकेले आदमी आप एक बात देखो, इस विधान ईस्ट ऑनर में या पिछली बार अभय सिंह चौटाला के बराबर कोई आदमी बीजेपी के खिलाफ विधानसभा में कौन लड़ा है? अकेले अभय जी लड़े हैं ना, अगर मिली भक्त होते तो क्यों लड़ते वो? आज जितने स्कैंडल उजागर कर रहे हैं जेजेपी के विधायकों के मंत्रियों के इसके बीजेपी के, अभय जी कर रहे हैं, अगर मिली भक्त होते वो क्यों उजागर करते? पार्टी जी अभी आपने पूर्व विधायक का नाम दिया है तो वो अपने विधानसभा क्षेत्र से होगा या डोरा से होगा, अपने तौर पर सुनो, मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात। बार बार अभय चौटाला जी ने बयान दिया है कि आप जो है ना कोरोना के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ रहते हो वहाँ कोरोना के प्रति लोगों से सचेत करें, वो वैक्सीन लें, दवाई लें। और 3 अस्पताल आज इन एलओ के हरियाणा के अंदर चल रहे हैं, अपने खर्चे पे चल रहे हैं। 250 बिस्तरे का सिरसा के अंदर, 2 है यहाँ बॉर्डर के अंदर सिंह हो गए, जिसकी दवाई भी हम देते हैं, जिसमें डॉक्टर की तनख्वाह भी हम देते हैं, वॉलेंटियर्स की भी हम देते हैं, और हमारे अपने खर्चे पे चला हुआ है वो। किसानों के लिए नहीं है वो, कोरोना के लिए है। किसानों के अलग है, अस्पताल खोल रहे हैं 3 हमने। नहीं फंगस के तो अभी हम 4 दिन पहले आई है फंगस की दवाई, तो ब्लैक फंगस की दवाई तो हम इनसे ही लेंगे ना, मार्केट से कहीं से मोल हमें भी नहीं मिल रही है, हम कहाँ से ला के दें? इन्हें अवेलेबल ही नहीं करी, मोदी जी ने अवेलेबल करनी चाहिए, खट्टर जी को करनी चाहिए ताकि हम मोल तो ले लें। लगता है कौन सा सवाल उठाया मैंने जी? कोरोना काल में सभी को एकजुट होना, मैंने एक बात बताओ, हम हाई एकजुट है इस मामले में, हम उनकी सहयोग करेंगे। एक बात बताओ, हमने उनकी उनके काम में रुकावट डाली कहाँ है? मेरे बयानों से आपको रुकावट लगी है कोई? नहीं, कौन सी बात बोलो? अगर हमने कोरोना के खिलाफ कोई आपको मेरी बयानबाजी में ऐसा लगा हो तो मुझे बताए, मैं अभी मांग लूंगा। नहीं, ऐसे नहीं, वो ऐसा माहौल क्या है? नहीं माहौल माहौल इनके लिए अच्छा है क्या? एक एक आपने एलिगेशन लगाया था कि हरियाणा में जो पूर्व मंत्री हैं उनको ही इंजेक्शन नहीं मिला तो आम जनता का क्या हाल होगा? जी ब्लैक फंगस की बीमारी अभी स्टार्ट हुई, जैसा आपने कहा, हाँ, जब इतने पेशेंट ही नहीं थे पहले, हाँ, पेशेंट जब बढ़ रहे हैं तो इंजेक्शन पहले कैसे? जिस दिन जगाधरी हल्के में, जगाधरी हल्के के सारे गांव की बात कर रहा हूँ मैं, एक एक गांव की रिपोर्ट मेरे पास रहती है। इतने मरीज नहीं थे जितने मरीज अकेले कंवरपाल जी के गांव में थे, स्पीकर साहब के बहादुरपुर में। मंत्री होते हुए, गांव का मंत्री होते हुए, सरकार के अंदर पूरा प्रभावशाली मंत्री होते हुए, गांव के अंदर सारा गांव मरीज कर दिया। क्या इंजाम था? अपने गाँव में भी इंजाम नहीं कर पाए, बाहर तो अब अपनी वजह से बचे हुए हैं, इनकी वजह थोड़ी बचे हुए हो, इनकी वजह थोड़ी अपने गाँव को नहीं बचा पाया एक आदमी, दोस्त हमारे को। तो भाटी साहब नेताओं वाली बात होगी ना, पीएससी है। और बोलो, कमला वर्मा क्या मदद करेंगे पार्टी अपोजिशन? कमला वर्मा की तो अभी अभी आपने, ये तो मैं प्रेस का धन्यवाद करता हूँ, प्रेस ने अभी अभी उस खबर को चला करके हरियाणा में चली है, एकदम से सचेत हुए हैं मुख्यमंत्री जी।